बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद फातमा। आज की रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मज़ेदार से चिकन स्पेगेटीज। चिकन स्पेगेटीज को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में 150 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया। बोनलेस चिकन को हमने इस तरह इसकी लंबाई में कटिंग कर ली। 2 अदद दरमियाने साइज़ के हमने गाजर ले लिए और उसकी हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली। 1 अदद शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 अदद हमने चिकन क्यूब ले लिया, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 अदद हमने दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया। अगर आप लोग चिकन स्पेगेटी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च 1 के बजाय 2 चमचे कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने स्पेगेटीज को बॉईल करना है। हमने एक पैन में पानी ले लिया। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक के डालेंगे, 2 से 4 कतरे हम सिरके के डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। बॉईल आने तक हम इसको छोड़ देंगे। पानी के बॉईल आने के बाद अब हम इसमें स्पेगेटीज डाल लेंगे। सारे स्पेगेटीज डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे और हम चूल्हा आहिस्ता कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। हमने ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर। यहाँ हमारे स्पेगेटीज बॉईल हो गए थे, हमने इसको छान लिया था ठंडे पानी के साथ ताकि एक दूसरे के साथ चिपके मत, और हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। अब हम एक पैन लेंगे, हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें बोनलेस डालेंगे, ऑयल में फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। अब उसके बाद हम 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है आप ज़्यादा डालना चाहते हैं कम डालना चाहते हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का, नमक हसबे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून इसके साथ। जैसे हम इनको मिक्स कर लेंगे, हमने इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे अब हम इसमें, चिली सॉस, यहाँ हमने अपनी तमाम सॉसेस डाल दिए थे। अब हम इन तमाम सॉसेस को डालने के बाद हम इसको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने चिकन को तकरीबन 5 मिनट के लिए आहिस्ता आंच में हमने इसको गलने के लिए रख देना है ताकि हमारा चिकन अंदर से गल जाए। 5 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन को हटाया तो यहाँ पर हमारा चिकन तैयार हो गया था। चिकन हमारे अच्छे से गल गया था। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हमने सबसे पहले गाजरें ऐड की। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको हाफ कुक करना चाहते हैं या आप इसको फुल कुक करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने गाजरों को हाफ कुक किया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गाजरों को तेज़ आंच पे कुक किया था। यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्चों को मैंने लंबाई में बारीक बारीक इनकी कटिंग कर ली थी। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें अपने बॉयल स्पेगेटीज ऐड करेंगे। स्पेगेटीज डालने के बाद अब हम स्पेगेटीज को अच्छे से इनके साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे मज़ेदार से चिकन स्पेगेटीज तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे चिकन स्पेगेटीज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती रहूँ आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।